लाइव आया था यहाँ पे एक 2 हफ्ते पहले, कुछ एक हमारा स्प्लिट्स विलन लाइव आया था, राइट और हाँ वो हाँ बोल हाँ भी गया था कि एक बंदा स्प्लिट्स विला में उसको परेशान करता है, और उसने नाम नहीं लिया किसी का, और उसने ये कहा था कि उसे सॉरी, ये कहाँ पे हो हम लोग यार? शिवम, आई थिंक शिवम स्टक, या मैं स्टक हूँ? कौन स्टक है गाइस, प्लीज बताओ मुझे. हम दोनों सेम से बना है ना. मैं क्या, मैं इस दुनिया में हूँ? ओवर मेकअप नहीं यार, मैंने बहुत कम मेकअप किया है एक्चुअली. मैं थोड़ा ऐसा है ना, मेरा जो मेरा थोबड़ा है वही ऐसा है. मैं किस पे, मैं थोड़ा सा भी कुछ लगा लूँ फिर तो ज्यादा दिखता है. हम शिवम, शिवम यू आर स्टक. हाँ, अब शिवम को वापस लेते हैं और हम सुनते हैं कि कौन लड़का शिवम को तंग करता है. उसको मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी. उसकी हिम्मत कैसी हुई हमारे अजूबे को तंग करने की. मेरी हाय शिवम, वेलकम बैक. फोन आ गया था, देखो इतना ज्यादा खौफ है मेरा, मैंने जैसे ही बोलना शुरू किया बंदे का फोन ही आ गया। ठीक है ना, तो मैं बोल रहा था कि उसने फिर ऐसे ऐसी बातें बोली जो भी हुआ एक्सेट्रा एक्सेट्रा हुआ। तो अब क्या हो रहा है कि वो है, वो तो पता नहीं मुझे, उसकी जो फैन पेजेस है और फैन पेजेस जो फैन फॉलोइंग है उसकी, वो गालियां भेज रही है भाई। मतलब मुझे, मेरा पहले दिन की शुरुआत होती थी हर हर महादेव के नाम से, भोले शंकर के नाम से, और आज मुझे गालियों के पर्चे मिलते हैं। मतलब मेरा दिमाग कान सब परेशान हो जाता हूँ। और पहली बात तो मैं लोगों को समझाना चाहता हूँ, आज जो भी ये फैन फॉलोअर है ना तुम लोगों को, मैं आज तुम्हारी क्लास लेता हूँ, सुनो मेरी बात। फैन फॉलोइंग में ना फर्क होता है, एक होता है फैन और एक होता है फॉलोअर्स। तुम लोग अगर एक शख्स के फैन हो तो तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है उसको, उसकी इमेज को मेंटेन करने की। तुम अगर उसके फैन हो, उसकी फैन होता है कि मतलब तुम उसके बारे में बुरा सुनोगे भी नहीं और बुरा बोलोगे भी नहीं किसी को उनके लिए। और फॉलोअर्स होते हैं तो सिर्फ भेड़चाल होती है, जो कि 1.25 लाख भेड़चाल बहुत लोगों की होती है, वो मैं उस चीज में बिलीव करता हूँ। और फैन की जिम्मेदारी होती है कि आपको अपनी इमेज मेंटेन करके रखनी है। अब जिसके आप फैन हो, जैसे मैं मायशा का फैन हूँ, तो मतलब मैं उससे प्यार भी करता हूँ, उसकी रिस्पेक्ट भी करता हूँ, उसकी इज्जत मार्केट में, मतलब हर चीज में वी हैव टू टेक केयर कि भाई कोई किसी के बारे में बुरा ना बोले, ना बुरा बोले, ना हम किसी के लिए किसी को बुरा बोले। और तुम लोग भाई फॉलोअर्स हो, तुम लोग अगर केविन के लिए उसका साइड ले रहे हो और मुझे गाली भेज रहे हो, तो भाई समझना मेरी जान, तो तुम फैन नहीं हो, तुम फॉलोअर्स हो, तुम फैन कहलाने के काबिल नहीं हो मेरी जान। हाँ भाई, तो ये चीज है, लोगों को फैन, एब्सोल्युटली फैन राइट लोगों को ना शिवम. समझाना पड़ेगा कि भाई फैन में और फॉलोअर दोनों में क्या फर्क होता है। तुम लोग फॉलोअर्स हो, फैन भाई फैन होता है जैसे सचिन तेंदुलकर साहब है हमारे, कान पकड़ के बोलना पड़ेगा, उनका नाम लेना पड़ेगा, उनकी हमारी हैसियत नहीं उनका नाम भी लेने की। तो उनके जो एक फैन था जो पूरे शरीर पे अपना झंडा बना के हर क्रिकेट मैच, हर स्टेडियम में, हर मैच किसी भी कंट्री में वो मैच हो रहा हो, वो बंदा देखने जाता था। और उसके बाद मतलब इतना ज्यादा वो फैन उस, मतलब उसकी चीज देखी, प्यार दिखा, तो लोगों ने, सचिन तेंदुलकर तक ये बात पहुंची, तो उन्होंने उसको अपने हर मैच में बुलाना शुरू किया था। ये होता फैन। तुम लोग फॉलोअर्स हो भाई, राइट तुम्हारे फॉलोअर तो छत्ते जाएंगे छत्ते जाएंगे। हाँ भैया बताओ कौन है भाई। एक्चुअली ये लोग हाँ, जो हम उनकी हिंदुस्तानी भाव एक्सरसाइज के से माने, गाली वाली हिंदुस्तानी देते भाव हैं ना, ये जिंदाबाद। बस जिंदाबाद. हिंदुस्तानी गैरी लोग, जिंदाबाद गैरी कहा गैरी गया कुछ है. बोल रहे हैं क्या? गैरी का रश्मि गैरी, का वेलकम मैसेज आया, गैरी. गैरी गए हैं। झूठ मत बोलो यार मेरे फैन। और मैं सच बताऊं, मैं ये बात बोलना चाहता हूँ, मैं ये हमारे सिलसिला में हर बार 2 ग्रुप्स होते हैं, ठीक है ना, और मैं अपने ग्रुप के नाम ले लूंगा, सॉरी अपना ग्रुप नहीं, हमारा ग्रुप, हमारा अपना ग्रुप नहीं, मेरा खुद का ग्रुप नहीं, हमारे ग्रुप में हर बंदे की अपनी इंडिविजुअलिटी है, हर बंदा हमारा ग्रुप है। तो जो इनका ग्रुप है, इनके ग्रुप में 2 लोग हैं यार, मतलब जो मेरे दिल की तरह करीब है ना, एक गैरी और एक सामर्थ्य। मतलब सामर्थ्य से मेरी ज्यादा बात नहीं होती, बट फिर भी इज अ वेरी नाइस, मतलब बहुत जेम ऑफ अ पर्सन है वो। और गैरी का तो भाई बोलना है क्या, गैरी इज द बेस्ट. एब्सोल्यूटली, तो वो चीज है गैरी गैरी, यार, मेरा मानना व्यूट का चाहिए, इंटरव्यू गैरी देखो, मैंने तुम्हारा गैरी की नाम लिया. पावर है। क्या कह रहे हो? मैंने आज वोट केस में भी गैरी का नाम लिया है. गैरी जाके देखना, मुझे मिला, बस सबसे क्यूट पीस गैरी लगते भाई, हैं तुम मतलब और पूरे विला में, देखेंगे. मैंने पूरे विला में सिर्फ एक ही बंदा टक्कर दे सकता था, वो था गैरी। गैरी द बीस्ट, गैरी, हैशटैग गैरी द बीस्ट, गैरी इज द बीस्ट. जानवी शिकारिया। यस वी गो यार।
लड़कियों की बात करूं, लड़कों में तो मैंने सामर्थ और गैरी बोल दी, लड़कियों में भाई जानवी, जानवी का तो मैंने नाम भी लिया बूट पे यार, बूट वो अब आप लोग देखोगे, अब आपको जो चीजें आ रही हम लोगों को जो हिडन स्टोरीज हैं वो धीरे धीरे करके आ रही है, आएगी आएगी धीरे धीरे करके आएगी, राइट। हाँ तो जानवी शिकार, जानवी तो जानवी इज वेरी हॉट। हाँ जी, तो अब यार गैरी इज अ ग्रेट फ्लिपर, ये बात देखो कौन बोल रहा है, कैसे कैसे लोग आ रहे हैं। शिवम सर वन वर्ड फॉर भगत सिंह, नहीं मैं इस बारे में मैं बात नहीं करूंगा, मैं किसी और के सीजन के बारे में किसी शख्स के बारे में बात नहीं करूंगा। हाँ भाई आजा भाई आसमान, चल कमेंट्स पढ़ते हैं, कोई क्वेश्चन पूछो यार, चलो कोई क्वेश्चन, बढ़िया बढ़िया पूछो यार हमसे, कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, आज तुम लोगों को पूरी आजादी है, तुम लोग कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं हर एक क्वेश्चन का। आज वह तुमसे कोई पूछ रहा है कि हु इज योर फेवरेट कंटेस्टेंट इन स्प्लिट्सविला 13? इट्स नन अदर देन शिवम, और ये मैंने ऑलवेज बोला है, लव यू। और आज ये क्या है, लव फ्रॉम अफगानिस्तान पाकिस्तान हर तरफ से आज प्यार मिल रहा है हमें, लव फ्रॉम नेपाल, मनीष पोखरेल सपोर्ट गैरी, यू लुक लाइक अली गोनी, वी लव गैरी, सच में कह रहा है एक बंदा, अच्छा चल आसमान एक बंदा है इसको पकड़ लेते आजा, केविन ने फाड़ दी क्या, ये तो तुम्हें बेटा पता चलेगा शो में, अच्छा लगा मुझे सुन के पढ़ के मुझे। शिवम अ पेज वाज टेलिंग दैट केविन ब्रोक योर नोज एंड गॉट एलिमिनेटेड, ये यार ये कौन बेकार बेकार की ये झूठी खबर है कौन फैलाता है, मुझे तो समझ नहीं आता, एलिमिनेटेड एलिमिनेट कौन हुआ, केविन एलिमिनेट ना, ये सब बेकार की बातें, पता नहीं अफवाह है ये कौन फैला रहा है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है, ये झूठी बातें नहीं, अभी तो चल रहा है शो यार, आप लोग देखो अभी तक कुछ हुआ नहीं है और आप लोग अभी से ही अंदाजा लगा सकते हैं, सब बढ़िया हुआ है, कौन कब निकला कैसे निकला ये तो अब आपको देख के पता चलेगा, राइट। विनर कौन है, विनर मैं हूँ, आई एम द विनर, मैं जहाँ जाती हूँ मैं विनर बन के आती हूँ, राइट, ये बात तो है वैसे। आप लोगों का दिल जीत लिया मैंने, इससे बड़ी विनर वाली कौन सी बात हो सकती है बताओ भाई, गालियां तो आसमा ऐसी बात नहीं, गालियां क्या, सपोर्ट अपने सपोर्ट में भी हैं कई लोग यार, मैं देख रहा हूँ देख, हाँ बहुत लोग हैं, फरिश्ते आ रहे हैं उड़ उड़ के, बहुत अच्छे लोग हैं यार सच में, और जो गाली देते मैं वो भी बोल रही हूँ, वो लोग भी बुरे नहीं होते, वो लोग भी अच्छे होते यार, जैसे सही बात है, मैं भी गाली देता हूँ, गाली देती है, सब गाली देती है, गाली कौन देती है, सब ने गाली, पता क्या होता है, लेकिन तीन तरह के लोग होते हैं दुनिया में ना आसमा, तीन तरह के लोग होते हैं, होता है एक चेहरा जो जैसे एक तीन चेहरे होते हैं हर शख्स के पास, पहला चेहरा वो अपने दुनिया में अपने दोस्तों को दिखाते हैं, अपने परिवार को दिखाते हैं, दूसरा चेहरा वो दुनिया को दिखाते हैं, तीसरा चेहरा वो कभी किसी को नहीं दिखाते, वही उनकी असलियत होती है, yes, वो कभी किसी को नहीं दिखाते, प्यार में बर्बाद होना चाहती हूँ, yes, guys आप लोगों को क्या लगता है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था भाई लोगों का, एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, माइशा इज योर, माइशा आई लव यू माइशा, एज अ वेरी सो मेकअप ट्यूटोरियल माइशा, मैं तुमको ना किसी दिन वीडियो कॉल पे मेकअप करके दिखाऊंगी पक्का, एंड इनफैक्ट अगर कभी मैं तुमसे नेक्स्ट टाइम मिली ना मैं खुद तुम्हारा मेकअप करूंगी पक्का, सच में यार थोड़ा मेकअप मेरे को भी सिखा दो यार, कैसे होता है मेकअप, मेकअप करने की जरूरत है क्या मुझे, एक परसेंट भी जरूरत नहीं है, तो इतने हैंडसम हो, जब मैंने तुमको देखा तो मैं पता है ना तुमको मैं पागल हो गई थी, तुम बोले इतना हैंडसम लड़का कहाँ से उठा के लाया यार, शुक्रिया, और इतनी सुंदर सुंदर लड़कियां आई थी, वाह मतलब जब पता है कि हम लोगों ने अब जो हम लोग मैंने की बने हुए थे ना, आज मैं आपको चीज बताता हूँ, हम लोग कम से कम 4-5 घंटे खड़े रहते धूप में, सब सड़ गए यार, तो क्या जला था, आज तक किसी को इतना जला नहीं था, वो उसकी स्किन ही नहीं आई है बंदे की, तो हम लोग वेट कर रहे थे कि मैं कहा बस अब ये 5 घंटे जो है ना हमारे ये बर्थ सेट होने चाहिए, जो सामने से जब दरवाजा खुला टिक 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 और जब एक एक करके नजारा दिखा, वाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने भी जब नजारा देखा मुझे भी बहुत अच्छा लगा, उसमें यू आर द बेस्ट, तो लोग शायरी की डिमांड कर रहे हैं आसमा, तो तुम्हारी खूबसूरती पे एक शायरी अर्ज कर देते हैं, प्लीज शायरी, प्लीज शायरी चाहिए हमें, क्या कहूँ क्या, लेकिन क्या कहूँ,
क्या पहले पहले कहूँ, एपिसोड में जो क्या शायरी बोली कहूँ थी वो ही तेरी बोल तारीफ रहा पे था। सूरत में, क्या कहूँ अच्छा ठीक तेरी, है चलो। क्या कहूँ तेरी तारीफ पे सूरत में, क्या कहूँ तेरी तारीफ पे सूरत में, अल्फाज कम पड़ रहे हैं तेरी मासूमियत देखकर। वाह 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 वाह, महफिल लूटी, मैं तो बर्बाद कहते हैं हो ना गई। कि खुदा ने जब मांगने को कहा, ये मेरा जो शेर है ये स्पेशल उस बंदी के लिए, वो बंदी समझ जाएगी। तो खुदा ने जब मांगने को कहा तो लोगों ने जहां लिख दिया, खुदा ने मुझे जब पता है मांगने वो को बंदी कहा तो कौन है। लोगों ने जहां लिख दिया, बात मेरी आई तो मैंने तेरा नाम लिख दिया। ये मुझे पता है किसके लिए शायरी है, क्या मैं बता सकती हूँ? दो नहीं हम ठीक है, ओके ओके ओके, नहीं बताओगी? ओके नहीं बताऊंगी मैं फिर। अच्छा मैं मैं ये कर वाली लूंगा, सुनती हूँ, मैं लव कर फ्रॉम लूंगा। दुबई। आई लव दुबई, मैं दुबई आने वाली हूँ बहुत जल्दी, दिस मंथ आऊंगी दुबई, से नेक्स्ट मंथ स्टार्ट हुआ, लेकिन मैं दुबई रिया पे आने कुछ वाली हूँ। बोलो यार, एक बंदा आया, देखो भाई ये हॉट टॉपिक है, हॉट टॉपिक इन डिमांड है आज का, रिया का टॉपिक। तो यार देखो मैं आपको बताना चाहता हाँ हूँ, रिया एक अच्छी लड़की है। वो बहुत उसने अच्छी पता है। नहीं हिट ऑफ द मोमेंट में बोला है, क्या बोला है उसने मेरे को नहीं पता, जो भी उसका व्योमेश के साथ जो भी झगड़ा इनका चल रहा है, बट मुझे नहीं लगता कि वो जो इतना एक उसको एरो ना देना, उसने जब बोला कि जैसे जब उसने एरो एक ही एरो नहीं एक भी एरो नहीं मिला व्योमेश को, एरो नहीं दिया था उसने, क्या नाम है रिया ने, तो उसने एक लाइन बोली थी कि आई एम डिसअपॉइंटेड। ठीक है वो भी अलग चीज है, तो हुआ उसका लेना देना है, वो शायद जब हम लोग फर्स्ट टाइम वो भी जब कैमरे के सामने आया होगा तो उसने ऐसी चीजें बोल दी होगी हीट ऑफ, मतलब जल्दी जल्दी में कोई चीज है ना, क्या होता है ना जब रियलिटी शो है तो आपको पता नहीं होता है, आपके मुंह से आधी चीजें निकल जाती है, उसने ये बात बोल दी उसके बाद। बट जो रिया आपने रिया ने जो भी किया, ये अब उसने इनकी क्या भसड़ चल रही है आपस में, मुझे इसका कोई पता नहीं है और ना मैं इन चक्करों में पढ़ना चाहता हूँ। लड़ाई झगड़ा दूर, शो खत्म, दिस इज ओवर, ये सब बेकार की बातें हैं यार, ये सब धुआं है। वो कहते हैं ना कि मैं एक मिनट वो क्या था, अगर खिलाफ नर्वस है, ना के आसपास। अगर अगर खिलाफ है तो होने दो, ओ जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, मुझे यार एक सब मालूम है जलेंगे। आजमा आजमा, मुझे मालूम है कि दुश्मन भी कम नहीं मेरे, मुझे पता है मुझे यार दुश्मन भी कम नहीं मेरे, पर हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है, मेरे मुंह से जो वाह निकले मेरे क्या बच्चों, बात है, मेरे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, मेरे मुंह में तुम्हारी जबान थोड़ी है। महफिल लूट ली, वाह तबाही मचा दी। जादू नहीं जादू नहीं अजूबा, अजूबा, यस जादू नहीं अजूबा, शक नहीं होना चाहिए इस चीज में। अभी तो जादू नहीं जूबा। पिक्चर मेरे लोगों, अभी आप पिक्चर देखेंगे, पिक्चर अभी बाकी है। हेलो मोहम्मद, वाह क्या गाली, वेलकम। क्या एक नंबर गाली दे रहे हो भाई लोग, मजा आ रहा है, नाइस। नहीं यार ये इससे गाली पता कोई नहीं चलता है दे रहा अब है। हाँ, ये देखो देखो ये अब तो रिया ने जो कल गालियां दी, जो भी हुआ ठीक है वो अलग चीज है, रिया ने जो बोला उसके ऊपर जिन महारथी लोगों ने ये उन्हें बताया कि भाई रिया आप कितनी गंदी गाली देते हैं, वो भी उन्हें गाली दे दे के बातें कर रहे हैं, मतलब यार ये तो क्या बोलूं मैं, मतलब तुम किसी को सिखा रहे हो, ये तो वो बात हो गई जैसे और वो भी गाली मत दियो गाली बहन चोद, देके, देख आसमान ऐसे बोलते नहीं हम लोग दोस्तों में, गाली मत दियो बहन चोद, राइट गाली मत वो चीज हो गई, राइट। हाँ गाली उसको मना कर रहे हो गाली फुल मत गाली देना दे रहे हैं और खुद भी कमेंट और में खुद गाली लिख रहे हो, दे क्या बंदे हैं सलमान रहे डैडी इन द हैं। हाउस, इंटेंस जा रहे हो शिवम, सलाम वालेकुम मेरी जान, गुड पावर यार आपको बहुत मिस किया यार, मतलब मेरा दिल जानता है और खुदा गवाह है आप होता तो काम 25 होता, हमारे जैसे एक इनके जैसे 36 होते, अच्छा आग सलमान जी लगा थे यहाँ देते पे। यार, ये माम हो जाता। हाँ एक्चुअली और मैंने जब बोलो और निखिल को एरो बोलो दिया था मैं मुझे लगा था सलमान ही है, क्योंकि मैंने सलमान की फोटो देखी थी और मुझे बहुत क्यूट लगता था, तो मैंने सोचा ये सलमान ही है तो मैं उसको एरो दूंगी। लेकिन निखिल भी फिर बाद में मुझे अच्छा लगने लगा था नहीं, लेकिन और तूने जब ज्यादा एरो मैं दिया नहीं तो देखो बोलूंगी। एक बार बता, लेकिन मेरे को एक बार बताओ, पूरी दुनिया को पता था कि सलमान जा चुका है, तुम ये लोग हमको ना नहीं इसलिए ये पता बातें था, बनाती हो, गर्ल्स को पता झूठ ही मत नहीं बोलो, था। ये बात मुझे क्लियर आउट करनी है, रुक जा जरा इसको बंद करने दे, ये मैंने चैट खोली हुई थी, ये जो सलमान जैदी वाला केस है ये पता नहीं, ये तो तू हमारा मतलब किस तेरे कान, तुम लोगों के कान किसने भरे क्या नहीं भरे, ये इनकी गैंग ने ना पहले ये चीजें सोच ली थी कि भाई इसको इतने एरोज मिल गए तो इसकी तौहीन करनी ऐसे शुरू करनी है हमने,
सबको पता था कि सलमान जा चुका है, तुम्हें नहीं पता था, एक दो लड़कियों को नहीं पता था। इन्होंने अरे ये बहुत स्मार्ट है, इन लोगों ने बहुत अच्छी गेम प्ले किया, इन लोगों ने पहले ही, इन लोगों को पता चल, मुझे पता ना इनको पता था यार, इन लोगों ने बातें सारी बाद में सारी बातें संभाली है कि ये सलमान को सोच के हम लोगों ने निखिल को दिया। और निखिल सलमान सलमान की पर्सनैलिटी थोड़ी सी हैवी, सलमान इज वेरी नाइस बिल्ट, उसकी बॉडी बॉडी एकदम जबरदस्त है, और निखिल भाई हमारे थोड़े से मतलब नॉर्मल है, तो वो साफ देख के पता चल रहा था यार वो सलमान की ऑफिस की बात है कि बिहार की बात है। निखिल ने फुल फुल कवर्ड पहना था यार, हमको नहीं समझ में नहीं यार, अरे पेड़ तो दिख रहा था ना सलमान जैदी छोटा एकदम फुल बिल्ट आदमी है यार, तुम क्या बात है कर रहे हो, सबको पता था कि सलमान जा चुका है, हमको लगा वो सलमान ही है। इनफैक्ट जब निखिल ने अनमास्क किया है, मैंने निखिल सर को बोला क्या मैं अपना एरो चेंज कर सकती हूँ गोल्डन एरो, मैं चाहती थी कि मैं गोल्डन एरो तुमको दू, मैंने निखिल सॉरी रणवीर जी सर को वहां पे बोला भी था कि मैं अपना एरो चेंज कर सकती हूँ क्या, सर ने मना कर दिया था, तुमको याद होगा। जवाब के पता कुछ कह दिया, जवाब ने सारे अपना पता नहीं जवाब ने सारे अपना पता नहीं है, सही गल है। मजा आएगा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात। अरे भाई अजूबा जादू दिखाओ, थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच, लव यू एवरीवन, थैंक यू, शुक्र है कुछ प्यार भरी चीजें आने को मिल रही है, पढ़ने को मिल रही है मुझे, बहुत बहुत धन्यवाद। निखिल इस एंगल से सलमान किस एंगल सलमान लगता है अजी, सही बात है, वो सही लिखा था, इतना फुल कवर्ड था, पता क्या है पूरा कवर्ड था, नहीं यार जो भी है कवर था लेकिन दिख रहा था किस, और पता था।